तो जैसे कि गाइस अभी आपने देखा जो RTR 160 थी, जो उसकी हैंडल जो वॉबलिंग हुई, तो इंसान के सामने जो सीना होता है उसके ऊपर की जो खाल है भाई की, वो भी हल्की सी थोड़ी सी फटी है। तो यार इसके लिए अब मैं क्या ही कहूँ, तो आप पूरी क्लिप देख लो। आखिरी में आपको मैं इस हैंडल वॉबलिंग से बचने का भी रीज़न बताऊँगा। तो इसमें भी भाई की एक मिस्टेक थी, तभी ये गाड़ी हैंडल वॉबल हुई, वरना गाड़ी हैंडल वॉबलिंग नहीं होती हाई स्पीडिंग पे। तो ये रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे करके इससे बचा जाए, और अगर ये चीज़ हो जाए तो इससे कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ, पहले आप वीडियो फुल इन्जॉय करो। ए बाप ना, तो रुमाल का तो भाई रुमाल खुले बन भाई। तो हैंडल वॉबलिंग से बचने का भाई एक तरीका है, सिर्फ अगर आप गाड़ी को फुल थ्रॉटल, मतलब आप फुल एकदम टॉप एंड कर रहे हो गाड़ी का, तो पहली चीज़ ये है, सबसे मेन आप गाड़ी को एकदम झुक के भगाओ, जैसे कि राइडर्स लोग करते हैं। झुक के भगाने से ये होता है, जो सामने से जो हवा आ रही होती है वो आपके हेलमेट या आपके फेस को चीर के एकदम से साइडों से निकल जाती है, इसलिए गाड़ी के क्रैश होने के और हैंडल वॉबलिंग होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो यही चीज़ है गाइस जिससे आप बच सकते हो। और अगर आप सीधे होकर चलाते हो तो आपने जैसे कि अभी पूरी वीडियो में देखा कि क्या हुआ है सीधा भगाने से भाई, बस मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप अगर गाड़ी भगाएं तो प्लीज़ सेफ राइड। और पहली चीज़ तो गियर्स ज़रूर पहने अगर आप ऐसे टॉप एंड करते हो या हाई स्पीडिंग करते हो, कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे RTR हो, स्कूटी हो, सुपर बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, और प्लीज़ गियर्स तो कम से कम नॉर्मल तो करें। और अगर नहीं भी अचीव करते हैं तो यार प्लीज़ गाड़ी उतना थोड़ा कम भगाइए, उतना ज़्यादा भी मत हाई RPM पे चाहिए। बाकी तो आपसे मैं ये कहूँगा चलिए राइड सेफ, और ऐसे भी कोरोना के टाइम पे बस घर पे रहो, कहीं ज़्यादा मिलो जुलो नहीं, अपने रिलेटिव से भी भाई अपना दूर दूर हाथ पर हाथ सैनिटाइज करते रहें। तो मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।